ये महिला जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये महिला पूर्व मेयर प्रत्याशी रह चुकी हैं और मिस इंडिया है। नाम है श्वेता झा। काम ऐसा कि थंबनेल टाइटल देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं और इन्होंने क्या काम किया। आपको बता दें कि अब ये जब मेयर नहीं बनी तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना क्रिमिनल ही बन जाए। जी हां, आपने सही सुना, ये मोहतरमा जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिनके हाथ में ये बड़े बड़े बंदूकें जो आप देख रहे हैं, ये वही श्वेता झा हैं जो मिस इंडिया का खिताब लेकर अब क्रिमिनल बनने की चाह लेकर लगातार मेहनत कर रही हैं, अब लोगों का बिस्तर भी गर्म कर रही हैं। अब बात करते हैं इनके कारनामों की। सबसे पहले ये महिला जिनका नाम श्वेता झा है, ये अपने पति की भी नहीं रही, अब जिनके साथ इन्होंने शादी किया जिनका नाम चंदन झा है, एक अच्छा खासा समय जिनके साथ इन्होंने बिताया, अब श्वेता अपने दोस्त अभिषेक यादव के साथ मिलकर उन्हीं को पिटवा रही हैं और मुंह में पेशाब तक करवा रही हैं। मामला 11 जनवरी का रात का है। रात का 9 बज रहा था तब राजधानी पटना की भागवत नगर के एक्सप्रेस कारवा सेंटर के पास श्वेता के मित्र हमदम अभिषेक यादव और उपेंद्र प्रभाकर ने मिलकर और श्वेता ने यानी तीनों ने मिलकर चंदन झा को अगवा कर लेता है कर लिया और कार के अंदर चंदन को ले जाकर खूब लोग मारते पीटते हैं। चंदन की पत्नी जो श्वेता झा है वो अपने मित्रों के साथ मिलकर उनकी धुनाई करती हैं, साथ में वीडियो भी बनाया जाता है। उसके बाद अभिषेक यादव अपना लाइसेंसी हथियार निकालकर चंदन के मुंह में ठूंस देते हैं और खूब गाली ग्लॉस देते हैं और कहते हैं कि मार देंगे, मतलब धमकी देते हैं और प्लान करते हैं कि मारकर आज पटना के मरीन ड्राइव पर चंदन झा को फेंक दिया जाए। आपको बता दें कि चंदन की पत्नी चंदन को अपने मित्रों के साथ मिलकर बहुत टॉर्चर करती हैं और पति को छोड़ अयाशी करना चाहती हैं। ये सारे आरोप खुद चंदन झा ने अपने पत्नी के खिलाफ लगाया है और कहा है उन्होंने कि उनके साथियों के खिलाफ जो है, जो हमको जो है कभी मार दिया जाएगा। 11 जनवरी के रात में मारने पीटने के अलावा वार्ड के 44 के पार्षद सत्येंद्र यादव के कार्यालय में ले जाकर जो है उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। उनको कहा जाता है कि तुम्हारे पत्नी के साथ ये वो, मतलब कि पत्नी के साथ करते हैं तुम क्या कर लेगा, उनके मुंह में पेशाब कर दिया जाता है और पत्नी यानी श्वेता झा हंसते रहती है, मजा लेती है। और ये सारी कहानी एक सावधान इंडिया की लगती है लेकिन ये कहानी सही है, ये राजधानी पटना की कहानी है। आप एक एफआईआर की कॉपी अपने स्क्रीन पर देख लीजिए और सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। खुद इस एफआईआर में चंदन झा ने लिखी है इस कहानी को और उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी श्वेता झा, उनके मित्र अभिषेक यादव जो है, ये लोग उनसे मुझे जो है मेरे परिवार को खतरा है, कभी भी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लगातार मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने ये सारी जानकारी दी है। अब बता दें आपको कि जो ये अभिषेक यादव हैं, ये ओबीसी मोर्चा के भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं, बिहार पर भाजपा प्रदेश के मंत्री हैं और इनके पास लाइसेंसी हथियार है, लगातार लोगों को धमकी देते हैं। श्वेता झा अभिषेक यादव के शारीरिक संबंध के बारे में भी चंदन झा ने खुलासा किया है और कहा है जब जरूरत पड़ेगी तो उसका वीडियो भी हम लोगों के साथ साझा करेंगे। तो मतलब साफ है कि ये महिला जिनका नाम श्वेता झा है, जो मिस इंडिया खुद को कहती है, वो अपने पति को भी नहीं जो है वो छोड़ेंगी, अपने पति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा शारीरिक संबंध और पैसे शोहरत के लिए, इतनी गिर गई हैं कि अब वो अपने पति की जान चाहती हैं। खैर, जो भी अपडेट होगा लगातार आपको हम देते रहेंगे और हमारे साथ जो है लगातार आप जुड़े रहे, प्रतिक्रिया जरूर दें कि ऐसे महिलाओं के साथ प्रशासन को क्या करना चाहिए। कमेंट प्रतिक्रिया जरूर दें, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।